ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते देखेंगे, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के बारे में हम लोगों ने जाना था, ब्रीफली डिस्कशन किया था हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअली होता क्या है। तो फाइल हैंडलिंग जो होता है वो यूज़ होता है मेनली डेटाबेस में स्टोर रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो नॉर्मली अगर हम लोग कोई स्मॉल स्केल पे हमारा कोई एप्लीकेशन है तो हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं, जैसे कि फायर स्केल हुआ या फिर कोई एक्सेस हुआ। एक्सेस में भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, इवन एक्सेल भी हम लोग यूज़ करते हैं डेटा स्टोर के लिए। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है और उनको अगर हमें सेव करना है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहिए, तब हम फाइल हैंडलिंग के यूज़ करते हैं। अब फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फेसबुक हम सब लोग यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने कोई एक वीडियो, लेट्स से कि हम सब एक फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है, तो ऐट द टाइम अपलोड उस वक्त वो उस वीडियो को जगह डेटाबेस में मिल गई, ठीक है। अब हम सभी तीनों लोग, आप तीनों लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप तीनों को वो वीडियो अच्छा लगा, आपने वो शेयर किया, ठीक है। तो जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो क्या वो वीडियो फिर से अपलोड होगा? तो क्या है, वो ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियो है वो सिर्फ आपके जो फेसबुक वॉल है वहाँ पे आपको शेयर मिलेगा। तो क्या होता है कि सिर्फ रेफरेंस आपको आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वीडियो किसने अपलोड किया है, तो वो मैंने अपलोड किया है। इसीलिए जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं तो जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसका, जिसने ओरिजिनली उसको अपलोड किया है, उसका नाम हमेशा आता है। मान लीजिए किसी हम फेसबुक पेज से अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो, तो हमेशा उस फेसबुक पेज की लिंक वो वहीं पे रहती है। एक्स वाई जेड पेज से हमने शेयर किया वीडियो, ऐसा नोटिफिकेशन हमारे फ्रेंड्स को जाता है, ठीक है। लिंक शेयर करते हैं हम, वीडियो पूरा शेयर नहीं करते, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि वीडियो अपलोड करते वक्त जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो वीडियो तो अपलोड हो गया उस वक्त। अब क्या हुआ, जब वीडियो शेयर कर रहे हैं तो जहाँ पर वो वीडियो स्टोर है वहाँ की सिर्फ सर्वर की, वहाँ पे वीडियो की वो लिंक शेयर के थ्रू, शेयर बटन के थ्रू सर्कुलेट होती है। इससे क्या हुआ, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं हर बार तो इससे क्या होता है, सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, ठीक है। हम लोग वो डेटा मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। एक ही वीडियो, मान लीजिए कि चार लोगों ने हमने एक ही वीडियो अपलोड किया है, अब फेसबुक के करोड़ों यूज़र्स हैं, तो एक ही वीडियो अगर करोड़ों यूज़र्स अपलोड करेंगे तो उनका सर्वर तो क्रैश हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये उस वक्त ये आता है पॉइंट कि फाइल हैंडलिंग आता है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग क्या है ये हम डिटेल में देखते हैं। प्रशांत जी क्लियर है? जी सर। हाँ ओके, ठीक है। तो जब हम जावा में फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो बाइट स्ट्रीम और फाइल सिस्टम, इन दोनों के माध्यम से हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। जावा में जब हम फाइल से डेटा रीड करते हैं और वहाँ पे लिख भी सकते हैं जावा के थ्रू, ठीक है। इसके लिए जावा हमें कई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है मल्टीपल क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो जावा प्रोग्रामिंग में ऐसी कुछ क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम लोग फाइल में इनपुट दे सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसे, राइट कर सकते हैं। राइट कर सकते हैं मीन्स हम वहाँ पे डेटा हमारा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि प्रिंट करना चाहते थे कंसोल पे, हम लोग प्रिंट करते थे अभी तक कंसोल पे प्रिंट करते थे, ठीक है। अगर हम लोग कंसोल पे प्रिंट नहीं करना चाहते, अगर हम किसी पर्टिकुलर फाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है।
तो जावा में जो है वो फाइल हैंडलिंग इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है वो दो स्ट्रीम्स में इनको डिवाइड किया गया है, एक है बाइट स्ट्रीम, दूसरा है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो पहले देखते हैं बाइट स्ट्रीम। ठीक है, बाइट स्ट्रीम जो है वो 8 बाइट्स से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है, जैसे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, बाइट स्ट्रीम के भी दो प्रकार हैं, पहला है इनपुट स्ट्रीम, दूसरा है आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम क्या है कि इनपुट स्ट्रीम से हम सोर्स से डेटा को रीड करते हैं, और आउटपुट स्ट्रीम से क्या करते हैं, जहाँ पर हमें डेटा को राइट करना है वहाँ पे, मतलब वो जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम हमारा डेटा वहाँ पर राइट करते हैं। इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम डेटा रीड करेंगे और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स प्रोसेस के लिए दो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि पब्लिक इंट रीड, ये एक मेथड है। ये जो मेथड है ये क्या करती है, बाइट को रीड करती है। ठीक है, सोर्स फाइल से बाइट को रीड करती फाइल को रीड करती है फ्रॉम बाइट टू बाइट। और पब्लिक वॉइड राइट, अब ये राइट मेथड है, एक इंटीजर पैरामीटर, इंटीजर आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर लेती है, और ये दोनों मेथड आयो एक्सेप्शन को थ्रो करती है। ठीक है, जो राइट मेथड है यहाँ पर वो मेथड क्या करेगी कि पर्टिकुलर डेटा को राइट करेगी। ठीक है, और रीड मेथड क्या करेगी, उस पर्टिकुलर डेटा को रीड करने का काम करेगी। क्लियर है मिशन जी? जी सर। तो इनपुट स्ट्रीम देखते हैं। इनपुट स्ट्रीम क्या है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, बाइट इनपुट स्ट्रीम एक पर्टिकुलर क्लास है। ठीक, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास इसे एक्सटेंड करती है। ठीक, और इसकी जो मेथड्स हैं वो फाइल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, जैसे रीड मेथड, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट लेते वक्त हमें क्या चाहिए, डेटा को रीड करते आना चाहिए। इस वजह से वो क्या होगा, एक हम लोग कौन से मेथड यूज़ करेंगे, तो पब्लिक इंटीजर रीड ये मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम एक बाइट स्ट्रीम इनपुट क्लास है। इस क्लास को ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग बाइट इनपुट स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मेथड्स को उनके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आउटपुट स्ट्रीम। तो जैसे इनपुट स्ट्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आउटपुट स्ट्रीम है, ये बाइट आउटपुट स्ट्रीम क्लास को एक्सटेंड करती है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को इसे एक्सटेंड करती है। जैसे इनपुट स्ट्रीम के कुछ मेथड्स थे, वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम के भी कुछ मेथड्स हैं जिनको हम डेटा परफॉर्म कर राइट करने के लिए, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो वो मेथड है पब्लिक इंटीजर राइट, ये मेथड। एक क्लास एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है, डाउट है कहीं? प्रशांत जी? नो सर। ओके, ग्रेट। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट किया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट आई डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, ऑल। ठीक है, एस्ट्रिक का मीनिंग होता है यहाँ पर जो स्टार है। ठीक है, आप लोगों को डेटाबेस पता है, मतलब कोई डेटाबेस वगैरह आपको लोगों को नॉलेज है, जैसे MySQL हुआ, ओरेकल हुआ, या एक्सेस हुआ, क्यूरी वगैरह फायर किए हैं आपने।
नहीं, मैं डिटेल में नहीं जाना। जैसे एसक्यूएल पढ़ा है आपने, तो वहाँ पे होता है ना एक सिलेक्ट क्यू होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना। तो स्टार का मीनिंग क्या होता है वहाँ पर कि ऑल, तो सेम वो कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कि ये जो एस्ट्रिक है स्टार, इसे एस्ट्रिक भी कहा जाता है। तो ये जो स्टार है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल। तो इम्पोर्ट करो जावा पैकेज में जो आईओ पैकेज है उस पैकेज को, और कौन सी फाइल को इम्पोर्ट करना है तो सारी फाइल्स को इम्पोर्ट करना है। जितनी सारी फाइल आईओ पैकेज में है उतनी सारी फाइल्स इम्पोर्ट कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पब्लिक क्लास कॉपी फाइल। ये कॉपी फाइल क्या है, हमारा एक यूजर डिफाइन क्लास है, हमने क्रिएट किया हुआ जो नाम दिया है हमने। अब इस क्लास में हमने लिखी मेन मेथड हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब जब हम फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और तो क्या हुआ, हम लोग डेटा रीड करेंगे और राइट भी करेंगे, ठीक है। तो जब अभी हमने देखा कि डेटा रीड करते वक्त, डेटा रीड के लिए ये जो है रीड करते समय और राइट करते समय कौन सा एक्सेप्शन तो होता है, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा, इस वजह से हमें मेथड के सिग्नेचर के समय ही यहाँ पर लिख दिया थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो एक क्लास है उस क्लास का हमने एक इन नाम से एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, ठीक है। और उसमें वैल्यू ले ली हमने अभी फिलहाल के लिए, तो वो अभी नल है। वैसे ही फाइल आउटपुट स्ट्रीम के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया आउट नाम का, और उसकी उसमें क्या है, नल। अब ट्राइब में आते हैं, ट्राइब ब्लॉक लिखा, फिर हमने ये जो इन ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, अब इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिखा इन इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है ये यहाँ पर लिखा हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम ये जो क्लास है ये क्या करता है कि ये एक स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट लेता है, डबल कोट्स में है नहीं, तो ये क्या हुआ, तो ये स्ट्रिंग हुआ। तो स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये फाइल नेम लेता है, ठीक है। फाइल नेम और पर्टिकुलर पाथ, मान लीजिए कि कहीं हमारे सी कोलन में एक जावा नाम का फोल्डर है, तो सी कोलन जावा और उसमें इनपुट डॉट टी एक्स टी, ऐसा हमारा उस फाइल का पाथ रहेगा। तो पर्टिकुलर पाथ हमें वहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो सेम पाथ हमें वहाँ पर देना होगा ताकि हम हमारी पर्टिकुलर फाइल एक्सेस कर सकें। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके, कि आप लोग यहाँ आ रहे थे, तो पर्टिकुलर पाथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कहीं मिसमैच हो जाता तो आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पहुंच पाती, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि अगर कहीं आप थोड़ा सा भी मिसमैच करते हैं, मान लीजिए कि एक हाथ आपका पैकेज या फोल्डर मिस हो गया, किसी फोल्डर के अंदर आपका वो पाथ है तो वो आपने नहीं दिया, तो पर्टिकुलर फाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें क्या एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे और हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि सी कोलन पे जावा नाम का फोल्डर है और उसमें एक इनपुट डॉट टी एक्स टी ये फाइल है, ठीक है, और हमने अगर दिया सी कोलन इनपुट डॉट टी एक्स टी, तो जो फाइल सर्च होगी वो कहाँ पर होगी, फाइल सर्च सी कोलन पे, ना कि जावा फोल्डर में, सी कोलन में ही सर्च होगी वो फाइल। तो वो क्या गया, इनपुट डॉट टी एक्स टी ये फाइल मिली ही नहीं, ठीक है। प्रशांत जी क्लियर है? जी सर। ओके, अब हमने क्या किया कि इनपुट डॉट टी एक्स टी ये फाइल हमने रीड कर ली, ठीक है, मतलब रेफरेंस उसका कलेक्ट कर लिया इन इस ऑब्जेक्ट में, ठीक। अब हमने किया कि आउट इज इक्वल्स टू न्यू
फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ये भी एक स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट लेता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो है इनपुट डॉट टी एक्स टी, ये क्या है, ये सोर्स है, और ये क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक है, इनपुट डॉट टी एक्स टी क्या है, सोर्स फाइल है, और आउटपुट डॉट टी एक्स टी क्या है, डेस्टिनेशन फाइल है। इनपुट इनपुट डॉट टी एक्स टी के थ्रू हम लोग डेटा रीड करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिखा, डिक्लेयर किया सी। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लूप लगाया व्हाइल लूप, और उसमें हमने कहा ये जो इन ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर इस इन को हम कह रहे हैं कि रीड करो। ठीक है, कब तक रीड करना है, जब तक ये माइनस वन नहीं आता तब तक। माइनस वन कब आएगा, जब हमारी फाइल एट द एंड ऑफ फाइल होगा उस वक्त ये हमें माइनस वन रिटर्न करेगा। तब तक कोई एक पॉजिटिव या निगेटिव सॉरी पॉजिटिव एक इंटीजर वैल्यू हमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक किया कि जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू सी में कलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो पहले क्या होगा, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ऐसे समय में जब ये कलेक्ट होगा इसमें, तो हम लोगों ने इस आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये जो आउट ऑब्जेक्ट है, इस आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, राइट किया। क्या राइट किया, जो सी में है उसे राइट कर दिया। कहाँ राइट होगा ये, तो ये आउटपुट डॉट टी एक्स टी में राइट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कैच नहीं लिखा है। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रोग्राम में कैच ब्लॉक नहीं लिखा है। मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर एरर आता है, तो अगर कैच ब्लॉक नहीं है तो कैसे हैंडल करेंगे हम, प्रशांत जी? कैसे हैंडल होगा ये एरर, अगर कोई एरर आता है हमारे इस प्रोग्राम में? मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे कि फाइल नॉट फाउंड एरर है, एक्सेप्शन, अगर ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है हमारे प्रोग्राम में, तो किस तरीके से ये हैंडल किया जाएगा, मतलब पता कैसे चलेगा कि ये एक्सेप्शन आ रहा है? हम लोगों ने कैच ब्लॉक तो लिखा ही नहीं है, एक्सेप्शन कैच कहाँ होगा? जी प्रशांत जी, नहीं अटेम्प्ट कीजिए, उसमें क्या है, क्या होगा, गलत होगा? एक्सेप्शन कैसे शो होगा, एक्सेप्शन तो आएगा। ठीक है, तो हम लोग वही जानना चाहते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, ये जो लिखा है ना हमने थ्रोज आयो एक्सेप्शन, तो मेथड सिग्नेचर पे ही लिखा है, तो वहाँ क्यों लिखा है हमने, तो इसीलिए लिखा है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन को थ्रोज करें। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा यहाँ पर, आयो एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर है प्रशांत जी? ओके, फिर फाइनली ब्लॉक में हमने क्या किया कि अगर इन, ये जो इन है, जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है,
वो अगर नल नहीं है तो उसे क्लोज कर दो। सेम एज आउट, अगर जो आउटपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो अगर नल नहीं है तो उसे भी क्लोज कर दो। और हमारा प्रोग्राम है तो क्या होगा, ये प्रोग्राम का जो मोटिव है, क्या कह सकते हैं, मकसद है, तो वो क्या है कि जो इनपुट डॉट टी एक्स टी में जो डेटा है हमारा, वो सारा का सारा डेटा हम लोग आउटपुट डॉट टी एक्स टी में कॉपी कर सके। ठीक है, सो कॉपी फाइल का ये हमारा पर्टिकुलर कोड है। इस प्रोग्राम में कोड में कोई समस्या? प्रशांत जी, ठीक है, मैं बार बार आपको आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये दोनों मेरे सामने ही हैं। ब्लेंडेड बोर्ड में हम लोग ले रहे हैं तो अभी आप काफ़ी ऑनलाइन हैं, इन दोनों से मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आप दोनों को ले रही है, एक बार और रिपीट करना है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमें फाइल इनपुट फाइल्स पर ऑपरेशन से, ठीक है, तो फाइल पे ऑपरेशन कौन से होते हैं, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं। इस वजह से हमने पैकेज इंपोर्ट किया, फाइल सॉरी इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ, इस पैकेज को हमने इंपोर्ट किया। अब उसमें से पर्टिकुलर कौन सी फाइल चाहिए हमें, हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, सारी फाइल्स इंपोर्ट कर ली। स्टार जो है वो फॉर ऑल है, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप स्टार दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, मतलब पर्टिकुलर अगर हम लोग फाइल जानते हैं, तो बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप उसी फाइल का नाम दें, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर फाइल जानती हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि दो बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते थे हम, कि फाइल इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम सेमीकोलन, और सेकंड स्टेटमेंट होता हमारा इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल आउटपुट स्ट्रीम सेमीकोलन। तो सिर्फ ये दो क्लासेस हमें चाहिए, हम लोगों ने बाकी तो क्लासेस का यूज़ ही नहीं किया है। तो जब हमें एग्जैक्ट पता है कि कौन सी क्लास हमें चाहिए, तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पर्टिकुलर उसी क्लास का यूज़ करें, ठीक है। फिर हमने हमारा एक यूज़र डिफाइंड क्लास लिखा, पब्लिक क्लास कॉपी फाइल, कॉपी फाइल ही हमारे क्लास का नाम है, कॉपी फाइल क्या है, हमारे क्लास का नाम है। उस क्लास में मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रीम ARGS। ये मेन मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती है, आईओ एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इस वजह से हमने लिया फाइल इनपुट स्ट्रीम इन और फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट, ये दो रेफरेंस हमने क्रिएट किए और उनको असाइन कर दिया नल से, ठीक है। फिर हमने ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई ब्लॉक पे हमने क्या किया, इन इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर हमने क्या किया, एक न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करती है, सोर्स पाथ लेती है कि फाइल कहाँ से रीड करनी है, ये क्या होगा, सोर्स पाथ, ठीक है, फाइल कहाँ से रीड करनी है, और हाँ ये सोर्स होगा, इनपुट स्ट्रीम क्या है, सोर्स, ठीक है। उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, नया ऑब्जेक्ट, उसको कहाँ कलेक्ट होगा, इन में कलेक्ट किया हमने, जो कि फाइल इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस है, वहाँ पे कलेक्ट हुआ। सेम एज आउट इज इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम,
ठीक है, ये भी पर्टिकुलर पाथ लेती है पाइप स्ट्रिंग। अब यहाँ जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सी ड्राइव में हमारा जावा फोल्डर है और उसमें इनपुट डॉट टी एक्स टी ये फाइल है। अब आउटपुट मतलब जब हम यूज़ कर रहे हैं डेस्टिनेशन फाइल, तो ज़रूरी नहीं कि ये वहीं पे कॉपी हो, डेस्टिनेशन वहीं पे हो। हम लोग कोई डी ड्राइव में रख सकते हैं इस फाइल को, डी ड्राइव में रखेंगे, डी ड्राइव में हमने लिखा, मान लीजिए कि डी ड्राइव में जावा फोल्डर है और उसमें हम लोग चाहते हैं कि आउटपुट डॉट टी एक्स टी ये फाइल हो, तो वो पर्टिकुलर पाथ यहाँ पर आएगा। ठीक है, डी ड्राइव का जो पाथ है आउट डेस्टिनेशन पाथ, तो वो पाथ वहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। अब हम लोग डेटा रीड करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। फिर फाइल्स जो है वो मल्टीपल एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उसमें, तो हमें वो जब शुरू करेंगे एंड तक चलना चाहिए, एंड तक रीड करना चाहिए, तो इस वजह से हमें क्या किया, लूप का यूज़ किया। इस वक्त हमने यूज़ किया है व्हाइल लूप, हम लोग दूसरे भी लूप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सी इज इक्वल्स टू इन, इन क्या है, हमारा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, इन इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रीड किया। ठीक है, हमने क्या कहा, रीड करो, कब तक रीड करो, जब तक उसकी वैल्यू माइनस वन नहीं आती। माइनस वन तब आएगा कि जब ये एंड ऑफ द फाइल होगा। ठीक है, और जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, सी इन डॉट रीड, ये कंडीशन जब जब ये ट्रू होगी कंडीशन, तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, सी में वो कलेक्ट होगी और हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको राइट कर रहे हैं, सी को राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू सी में है वो आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग राइट कर रहे हैं। आउट ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो आउटपुट डॉट टी एक्स टी को राइट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये प्रशांत जी? जी सर। ठीक है, फिर क्या होगा, फाइनली हम लोगों ने क्या किया, ट्राई ब्लॉक एंड हुआ हमारा, फिर स्टार्ट हुआ फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक में हमने क्या चेक किया कि इफ़ इन, ये जो इनपुट आउटपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये नॉट नल है, ये नल नहीं है, तो इसे क्लोज करो। सेकंड, इफ आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, वो अगर आउट नल नहीं है, तो उस आउट को भी क्लोज कर दो और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, एग्जीक्यूशन उसका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोगों ने दो अलग अलग क्लासेस यूज़ किए, वैसे ही बाइट स्ट्रीम कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइट स्ट्रीम के थ्रू जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस यूज़ करते हैं, वो क्लासेस क्या कौन सी हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहला क्लास है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ किया, सेम हम लोग बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास था, वैसे ही बफर आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम जैसे ये जो है, तो ये पर्टिकुलर डेटा को रीड करता है। ठीक, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, पर्टिकुलर डेटा हम लोग राइट कर सकते हैं, डेटा टाइप्स राइट कर सकते हैं, डेटा टाइप्स के थ्रू हम लोग राइट कर सकते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम, हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का। ठीक है, सिंपल इनपुट स्ट्रीम है ये, इसमें ना बफर्ड है, ना डेटा है, ना फाइल है, इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये जो है इनपुट स्ट्रीम, ये सभी प्रकार के इनपुट स्ट्रीम्स का सुपर क्लास होता है। मतलब जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, डेटा इनपुट स्ट्रीम है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है, इन सभी का सुपर क्लास जो है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास है। क्लियर हो रहा है या नहीं?
क्लियर हो रहा है? अच्छा हम्म, तो सवाल जी जी, तो अगर इनपुट स्ट्रीम इस क्लास को बफर इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है? बिल्कुल बफर इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये क्लास अगर इनपुट स्ट्रीम इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है जी। रिजिका जी, अरे एक से तीनों में हो रहा है ना, एक से तीनों में होगा अगर सर, तो अगर एक जी, ही चीज है तो सर जाएगी। अब बताइए, ये इनपुट स्ट्रीम है, ये सर हेरिटेबल होगा सर। हेरेटिकल होगा, कौन सा होगा? बताइए उसमें क्या है, गलत होगा और क्या होगा? कैसे हेरेटिकल कैसे हुआ फिर? वो पैरेंट क्लास तीन चाइल्ड क्लास हैं। सही है। बताइए, हो सकता है ना? ठीक है, ये है रची के लिए। क्या है? अच्छा आप बताइए कि ये हेरेटिकल क्यों है? सही है, रसन जी आपने बिल्कुल सही बताया था, अभी रितिका जी ने भी वही बताया है। ठीक है, और फिर एक आता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस के थ्रू हम लोग फाइल्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? प्रशांत जी, कोई डाउट है यहाँ तक? हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बफर इनपुट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट किया आईओ पैकेज को फॉर ऑल। ठीक है, स्टार। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक क्लास सैंपल नाम का एक क्लास लिया है हमने, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यहाँ पर हमने कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है। क्यों? ठीक है प्रशांत जी, क्लियर है कि यहाँ पर हमें एक्सेप्शन थ्रो करने की जरूरत क्यों नहीं है? प्रशांत जी,
हमने यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों थ्रो नहीं किया कि हमने यहाँ पर कैच ब्लॉक्स का यूज़ किया, ठीक है। फिर हमने क्या यहाँ पर मेन मेथड में लिखते हैं, मेन मेथड लिखने के बाद हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट FIS इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये क्या हुई सोर्स फाइल, ठीक है। अब बफर इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने BIS इक्वल्स टू न्यू बफर इनपुट स्ट्रीम, और इसे ये जो ऑब्जेक्ट है फाइल इनपुट स्ट्रीम का, ये ऑब्जेक्ट इसे पास कर दिया हमने। तो क्या होगा, बफर इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है वो क्या करेगा, इस क्लास इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को रीड करता जाएगा, ठीक है, और बफर मेमोरी में उसे स्टोर करता जाएगा धीरे 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 धीरे, और फिर उसे हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट, इंटीजर आई व्हाइल आई इज इक्वल्स टू BIS, ये देखिए ये BIS क्या है, बफर इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। BIS डॉट रीड कब तक रीड करना है, जब तक नॉट नल नहीं है, मतलब माइनस वन नहीं है, माइनस वन कब आएगा एट द एंड ऑफ फाइल, तब तक रीड करना है। और रीड करने के बाद क्या करना है, रीड करने के बाद उसे सिस्टम पे प्रिंट करना है, ठीक है, सॉरी कंसोल पे प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक। प्रिंट करते वक्त क्या प्रिंट करेगा, ये आई आई क्या है, आई क्या है इंटीजर। अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आई प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, इंटीजर वैल्यूज प्रिंट होंगी, इसलिए हमने क्या किया, वो जो इंटीजर है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कैरेक्टर। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट में क्या है, ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली कैरेक्टर अगर लेते हैं तो फिर वो हो जाएगा कैरेक्टर स्ट्रिंग। अभी हम लोग देख रहे हैं बाइट स्ट्रिंग क्लासेस, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली अगर कैरेक्टर लेते हैं वहाँ पर तो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग क्लास के थ्रू हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। ये जो है ये इस तरीके से है, आई क्या है इंटीजर, आई को हम लोग क्या करेंगे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्टेड जो कैरेक्टर है उसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक फाइल एंड नहीं होती तब तक। फिर हमने क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्लोज किया, बफर इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्लोज किया। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन कौन सा आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हमने उसे कैच भी कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई एक्सेप्शन आता है तो हमने क्या किया, एक और एक एक्सेप्शन कैच कर लिया है और वहाँ पर हमने लिखा रेडी हो गया। अब देखिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एग्जैक्ट एक्सेप्शन हो गया कि ये यही एक्सेप्शन आएगा तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फाइल नहीं मिली तो ये यही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा एक्सेप्शन आता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कैच ब्लॉक, ठीक है। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो हमारा ये आउटपुट मिल जाएगा, एग्जाम्पल फॉर जो कि इस फाइल डॉट पी एच डी में प्रिंट किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज रुकते ही हैं, प्रशांत जी कोई डाउट है, प्रशांत जी आप क्या आवाज़ हैं,
नेटवर्क इधर इधर है। अच्छा बट आपको ये आपको ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ अभी तक कोई डाउट है आपको यहाँ तक? ठीक तो आज रुकते हैं फिर यहीं।